एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कुरुक्षेत्र में पटवारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। गांव मथाना निवासी विक्रम ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पटवारी उनसे जमीन की निशानदेही के नाम पर रुपए की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटवारी हरप्रीत सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया। इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने बताया कि पटवारी ने निशानदेही के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद उनकी 42,000 रुपए में बात तय हो गई थी। 22,000 पटवारी को पहले दे चुके हैं और अब 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी को काबू किया गया है। जिसमें निशानदेही के अवज में 42,000 रुपए की डिमांड की थी उन्होंने, 50,000 रुपए की तो डिमांड की थी और 42,000 रुपए में इनकी डील फिक्स हुई थी जी। 42 में से 17,000 रुपए 1, 3, 1 और 2, 1 दिए पहले, और 20,000 में मैं आज इसको हरप्रीत पटवारी को मथियाना के रेड एंडेड किया जी। तो ये जो विक्रम बताए गए हैं ये कहाँ से हैं? ये मथियाना गांव से ही है। अच्छा, तो निशानदेही के नाम के पैसे लिए? जी जी जी, इन्होंने अपनी कुछ जमीन की निशानदेही करानी थी जी। जो पहले निशानदेही हुई थी उसमें इसको 10 फुट जमीन इसकी दूसरे की तरफ निकाल दी थी जी। और उसको पूरे करने के अवैज में 50,000 रुपये की डिमांड की थी, 50 में से 42,000 रुपये में डील फिक्स हुई है। 17 एक बार दिए उन्होंने, 3 एक बार 2 एक बार और 20,000 रुपये में आज जिसको रेड एंडेड कर। तो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से? इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे भी आगे कार्रवाई होगी नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है किनका? आरोपी का? आरोपी का हरप्रीत। और कहां से है सर ये? ये हरप्रीत जी कनाड़ा से है। उधर पटवारी हरप्रीत सिंह के भाई गुरप्रीत सिंह का कहना है कि उसके भाई को साजिश रचकर फंसाया गया है। जबरन शिकायतकर्ता ने उसकी जेब में ये पैसे डाले थे। वजह सर यही है, अगर कोई साजिश का शिकार हो जाए तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता जी। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है जी जी। तो दूसरा, ब्रदर ने जो है, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने पैसे पकड़े नहीं है। अच्छा। उनकी जेब में धक्के से पैसे डाले गए हैं। और दूसरी बात ये है, वहाँ पे अगर कैमरा है उसकी फुटेज चेक कर सकते हो आप। किसने डाले हैं ये बता सकते? पैसे डाले हैं विक्रम नाम का कोई व्यक्ति था जो कि काम करवाना चाहता था, अपने काम की वजह थोड़ा सा उन्होंने धक्का भी किया इनके साथ। ठीक है, तो उन्होंने पैसे डाले हैं, धक्के से जेब में डाले गए हैं पैसे। मतलब जबरदस्ती की गई है इनके साथ? जबरदस्ती मतलब पैसे डाल के गया भाई, चल मेरा काम कर देना, ठीक है, ऐसे करके धक्के से पैसे डाल गया और पीछे से विजिलेंस को बुला लिया। तो मतलब ये एक साजिश है जिसका शिकार ब्रदर हुए हैं जी। तो क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मेरी यही अपील रहेगी कि ब्रदर को इससे छुटकारा दिया जाए और जो भी उनके साजिश है उसके मतलब कार्रवाई की जाए, सही ढंग से इंक्वायरी की जाए, कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते काबू कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।